उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि राहत विभाग के मुताबिक शुक्रवार 6:30 बजे तक 5 लोग डूब गए और 5 की मौत बिजली गिरने से हुई है, जबकि 1 की मौत सांप काटने से हुई। वहीं मौसम विभाग ने रविवार 22 जुलाई को विदर्भ, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले 4 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं गुजरात के सौराष्ट्र में शनिवार को हुई भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बता दें कि एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए तैनात की गई है।